अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 28 अक्टूबर सन 2023 और शाम के तकरीबन 6:30 हुए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं जंड जंक्शन पे और जंड जंक्शन से आपको लेके चलेंगे 129 आप थल एक्सप्रेस में रावलपिंडी। तो 7:05 का यहाँ पे शेड्यूल अराइवल होता है थल एक्सप्रेस का, तो तब तक हम यहाँ पे वेट करते हैं और टिकट जाके पहले बाय कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टेशन आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम चलते हैं रावलपिंडी। जी गर्मा गर्म रोटी हैं जंड जंक्शन की और गर्मा गर्म पकौड़े, इसके अलावा हलवा भी मौजूद है यहाँ पे, ये देखें। नहीं जी, महर एक्सप्रेस और थल एक्सप्रेस का जो क्रॉस है वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है और उन दोनों ट्रेन से पहले एक मालगाड़ी आ गई है जिसको PHA 8311 लीड कर रहा है। ये भी यहाँ पे रुकेंगे और उम्मीद है यहाँ के पकौड़े वगैरह भी ये लोग खाएंगे। जी माल गाड़ी तो निकल गई, लगता है इन्होंने पकौड़े वगैरह ले लिए अपने। और थल एक्सप्रेस भी अभी थोड़ा लेट है, 7:30 पहुँच रही है जंड जंक्शन पे, तो इसलिए इसको एक दो स्टेशन और कवर करवाएंगे। सात बज के 20 मिनट हुए हैं शाम के और तकरीबन 15 मिनट डिले के साथ 129 अप अप्रोच कर रही है जंड जंक्शन पे। जंड जंक्शन पे 129 आप थल एक्सप्रेस का स्टे जो है वो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि दूसरी साइड से आ रही है 128 डाउन महर एक्सप्रेस, यहाँ पे क्रॉस होगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये बड़ी मुश्किल से आखिरी कोच में सीट मिली है हमें और ये पूरी जो सीट है बर्थ खाली पड़ी हुई है।
और सामने मालगाड़ी जो है वो अभी तक मौजूद है। पहले इसको डिपार्चर के लिए जो है वो क्लियर किया था पर बाद में रोक लिया गया, और रीज़न उसकी एक ही हो सकती है कि थल एक्सप्रेस जो है वो आ रही थी सामने से 129 अब जिस ट्रेन में हम बैठे हुए, तो इसी वजह से इसको अभी यहाँ पे रोका हुआ है। और मज़ीद और रुकेगी यहाँ पे ट्रेन क्योंकि 128 टाउन गुजरेगी, तो उसके बाद फिर इस मालगाड़ी को निकालेंगे। अभी शाम को 7:33 हुए हैं और महर एक्सप्रेस भी पहुँच चुकी है जंट जंक्शन पे। रावलपिंडी से निकली है ये ट्रेन और मुल्तान इसकी मंजिल है। सीट एक बार फिर हमने चेंज कर ली है, और उसको चेंज करने की रीज़न कि वो पहले जो थी ग्रिल्ड कोच थी जिसमें से हाथ बाहर निकाल के फिल्मिंग करना बहुत मुश्किल था, अभी आबिद साहब ने ढूंढी है दूसरी वाली, ये बिल्कुल आखिरी वाला केबिन है इस कोच का, इसमें आ गए हैं अभी हम। जी बिल आखिर डिपार्चर हो गया थल एक्सप्रेस का जंट जंक्शन से। ट्रेन हमारी नमल रेलवे स्टेशन से बात शुरू हो रही है, और रेलवे स्टेशन ऐसा है कि उस पर एक भी लाइट जो है वो मौजूद नहीं है सिवाय स्टेशन मास्टर के हाथ में पकड़ी हुई लाइट के। दोमेल रेलवे स्टेशन पे आकर रुक गई ये ट्रेन।
आज 14वीं का चांद है जी, और ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है विशाल जंक्शन पे। विशाल जंक्शन से एक रेलवे लाइन जो कि ब्रांच लाइन है विशाल जंक्शन गोलड़ा शरीफ, वो दाएं जाने में निकल जाएगी राइट साइड पे, जबकि हम अपना आगे का सफ़र अटक सिटी जंक्शन तक मेन लाइन 2 के ऊपर जारी रखेंगे। यहाँ से हमारी ट्रेन जो है वो लेफ़्ट टर्न कर जाएगी, जबकि ये नीचे जो आपको शायद अगर नज़र आ जाए रेलवे लाइन, ये दाएँ जाने पर जा रही है, ये जा रही है टूवर्ड्स गोलड़ा शरीफ जंक्शन। ये थोड़ी देर में ट्रेन हमारी 7 सिस्टर टनल के पहाड़ी सिलसिले के अंदर दाखिल हो जाएगी, 7 सुरंगें आएंगी एक साथ ही। जलार रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है और इस रेलवे स्टेशन के फौरन बाद ही सुरंगों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यहाँ पर टेक्निकल रीज़न की वजह से ट्रेन रुकती है और लाइन क्लियर टोकन जो है वो रिसीव करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जी कांटा बना दिया गया आगे का,
रात को 9 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है अटक सिटी जंक्शन पे। भाई 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी निकल रही है अटक सिटी जंक्शन से और कोच भी हमने चेंज कर ली है। सजवाल रेलवे स्टेशन पर आके ट्रेन जो है वो स्लो हो चुकी है। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे स्टॉप होगा, ये टोकन पकड़ेंगे यहाँ से और फिर नॉचअप करेंगे। टोकन रिसीव कर लिया है जी और थैंक भी दिया ड्राइवर साहब ने।
हैदराबाद रेलवे स्टेशन से गुजर रही है। आके अभी ट्रेन हमारी रुक चुकी है। सिग्नल डाउन हो गया, टोकन भी रिसीव हो गया। रात को 9:40 हुए हैं और ट्रेन हमारी हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है।
तो रेलवे स्टेशन था, यहाँ से टोकन रिसीव किया और दोबारा नौशम कर दिया। रात को 10 बजे ट्रेन हमारी टेक्सला कैंट जंक्शन पर रोज बना रही। ट्रेन हो डिपार्चर हो रहा है टेक्सला कैंट जंक्शन से। आपको फैक्टो सीमेंट फैक्ट्री नज़र आ रही है और ट्रेन हमारी पास शुरू हो चुकी है संजानी रेलवे स्टेशन से।
10:20 हुए हैं और ट्रेन हमारी गोलडा शरीफ जंक्शन पे अप्रोच बना रही है, सेकंड लास्ट रेलवे स्टेशन रावलपिंडी से पहले। रात को 10:40 पे थाल एक्सप्रेस पहुंच चुकी है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर 10 मिनट डिले के साथ, और सामने मौजूद है 5 अप ग्रीन लाइन।
नाइट जर्नी थाल एक्सप्रेस का जो पहली दफ़ा हमने बनाया और काफ़ी इन्जॉय किया मैंने, स्पेशली जब हम पहले वाली कोच में आगे बैठे तब से। उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी आज की ये वीडियो। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।